हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत सिंह परमार। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर टॉपिक्स को। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स, हमने कंपाउंड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कंपाउंड के क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आपको विजिबल होगा स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने आपको कहा भी था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहां कहां यूज आता है, एक तो डेप्रिसिएशन में, एक कंपाउंड इंटरेस्ट इटसेल्फ में, एक पॉपुलेशन इंक्रीज में। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब स्टूडेंट, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, वही कंपाउंड इंटरेस्ट का, ए पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। फाइनल अमाउंट देखो, 1 लाख की मशीन थी और फाइनली वो 30,000 की रह जाती है। तो मैं ए अमाउंट मेरा 30,000 हो गया, अमाउंट मेरा कितना हो गया 30,000 हो गया, इनिशियल अमाउंट इज योर 1,01,000। ओके, रिड्यूसिंग, जब कोई चीज रिड्यूस होती तो माइनस हम लोग करते हैं। मैंने कहा डेप्रिसिएशन केस में माइनस यूज करना और एन आपको ईयर्स निकालने हैं। 40 से 40 वैसे भी कैंसिल होता है एंड 3 डिवाइडेड बाय 10 इट्स 0.3। 1 माइनस 20 बाय 100 तो 1 माइनस 0.2 की पावर एन। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 0.3 और यहां पे आएगा 0.8 की पावर। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, प्लीज इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग वर्क करेंगे। इसमें करना क्या है, आपको जो कैलसी दे रखा है स्टूडेंट्स, आप इसमें 0.8 प्रेस करिए। कितना प्रेस करिए, 0.8, और 0.8 की पावर को आप इंक्रीज करिए। तो 0.8 की पावर 2 होने पर था 0.64, वापिस से करते हैं, 3 होने पर था 5.12, 4 होने पे 4096, 5 होने पे 0.32768 एंड नेक्स्ट 6 होने पर वैल्यू आ रही है 0.62144। तो जो इसका जो आंसर होगा वो नियर अबाउट 5 टू 6 के बीच में होगा, 5 ईयर टू 6 ईयर के बीच में होगा। और ऑप्शन में एक ही ऑप्शन रहेगा तो उसका आंसर हम सीधे क्या करेंगे, 5.4, एल्स इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। डन, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या देखा था, यूजफुल लाइफ ऑफ योर मशीन एस्टिमेटेड टू 10 इयर्स, एन आपका 10 इयर्स हो गया, कॉस्ट आपका 10,000 हो गया, 10% आपका डेप्रिसिएशन होगा, स्क्रैप वैल्यू आपसे पूछी है। तो स्क्रैप वैल्यू आप ए निकालनी है, इनिशियल अमाउंट पी आपका हो जाएगा 10,000, 1 माइनस 10 बाय 100 की पावर 10। बस इसको सिंप्लीफाई करिए एंड यू विल गेट द आंसर, तो 0.9 की पावर 10। हम 0.9 की पावर 10 सॉल्व करते हैं, 0.9 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, तो द वैल्यू इज योर, सेकंडे पे वैल्यू आ रही 3486.7। तो स्टूडेंट हमको ऑप्शन में देखा है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन, द आंसर इज योर 3486.78, द आंसर इज योर ए। डन। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा स्टूडेंट, आपका नॉमिनल रेट। नॉमिनल रेट बेसिकली होता क्या है, नॉमिनल रेट का मतलब समझते हैं। अब हम जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई गेम खेलते हैं, जैसे सपोज करो मैंने आपको बैंक, किसी बैंक में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 10% पर एनम और क्वार्टरली बेसिस पे जब मिलता है तो हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10% से क्या मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, 10% ही मिलता है, 10% थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका मैं आपको इसका फॉर्मूला समझा रहा हूं, फॉर्मूला देखना, इट्स 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1। डन। अब आपने क्या कर रखा, यहां प्लस 1 कर रखा तो यहां कर दो माइनस 1, एक और ब्रैकेट क्लोज, और डिवाइड बाय 100 कर रखा तो यहां मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो ये आपका नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सपोज रेट इज योर 8%, ठीक है, एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो क्वार्टरली में कुछ नहीं करना, 1 प्लस रेट कितनी हो जाती है 1/4, तो 2 बाय 100 की पावर 4 माइनस 1, अब इंटू 100 कर दो, बस ये चीज सॉल्व करो। तो अगर मैं सॉल्व करूं तो स्टूडेंट 1.02 की पावर 4, 2, 3, 4 देन माइनस 1 इंटू 100, द आंसर इज योर 8.2432 समथिंग द आंसर। वन मोर, आर इज योर
9% एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली करें हाफ ईयरली। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करेंगे हाफ ईयरली है तो रेट क्या हो जाएगी हाफ, तो 1 + 4.5 डिवाइड बाय 100 की पावर 4 - 1 × 100। चलो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व कर दो 1.045 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू -1 × 100। द आंसर इज योर, इसको अगर मैं हाफ ईयरली करता हूँ तो 9.2025। डन स्टूडेंट्स, चलो ये होता है नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग एक काम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3% पेबल हाफ ईयरली, 3% एंड पेबल क्या है हाफ ईयरली है, तो बस कुछ नहीं करना हमको, क्या करना है 1 + 1.5 डिवाइड बाय 100 हाफ ईयरली है तो रेट हाफ हो जाएगी और टाइम आपका डबल हो जाएगा -1 × 100। चलिए सॉल्व करें 1.015 मल्टीप्लाई बाय 1.015 मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 × 100। तो द आंसर इज योर 3.0225, द आंसर इज योर सी 3.0225। नेक्स्ट वन द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए नॉमिनल रेट 7% पर एनम कन्वर्टेड क्वार्टरली, क्वार्टरली तो स्टूडेंट्स 7 का 1/4 होता है 1.75 डिवाइड बाय 100 की पावर 4 क्वार्टरली, इसलिए -1 × 100। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें, इट्स 1.075 मल्टीप्लाई बाय 1.0175 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू -1 × 100। तो द आंसर इज योर 7.1859 समथिंग, तो द आंसर इज योर डी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आई थिंक क्लियर है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन भी कर लिए और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमने बात कर ली, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ओके द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2% ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, द नंबर ऑफ ईयर बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 140। तो स्टूडेंट इसमें कंपाउंड का फॉर्मूला यूज होगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी पॉपुलेशन इंक्रीज का क्वेश्चन आता है तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, डन। अब इनिशियल पॉपुलेशन मैंने 100 ले ली तो 40% इंक्रीज का मतलब कितना होता है 140, ये लॉजिक समझ में आता है क्या? अगर इनिशियल पॉपुलेशन अगर पी इज योर 100, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में भी इसको डिस्कस किया था, यस यस, तो पी इज योर, इफ पी इज योर 100 तो आपका ए कितना हो जाएगा 140, 40% इंक्रीज हो गया तो ए कितना हो गया 1 + 2/100 की पावर n, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 1.02 की पावर n। अब 1.02 तब तक प्रेस करेंगे जब तक 1.4 ना आ जाए, 1.02 अब प्रेस करना स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 करने पर ये जो वैल्यू आ रही है तो आ रही है 1.0 1.400 2414 समथिंग ये आ रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 ईयर्स अप्रोक्स, तो आंसर इज योर सी 17 ईयर अप्रोक्स। डन स्टूडेंट्स, ओके द एनुअल बर्थ एंड द डेथ रेट पर 1000 आर, 1000 में कितने लोग बर्थ हो रही है, 39.4 पीपल का जन्म हो रहा है एंड 19.4 की क्या हो रही है डेथ हो रही है, 39.4 पर 1000, पर 1000 बहुत इंपॉर्टेंट है, 39.4 पर 1000 तो बर्थ हो रही है एंड 19.4 की डेथ हो रही है, तो इफेक्टिवली कितने बच गए 20,
20 पर 1000, आई रिपीट 20 पर 1000, तो कितना हो गया 2%। बेटा 1000 में से 20 का मतलब कितना होता है 2%, आई रिपीट 1000 में से 20 का मतलब होता है 2%, तो R इज योर 2%, इस क्वेश्चन का R 2%, बस ये क्वेश्चन यहीं पे फिनिश हो जाएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं बचा इसमें। R इज योर 2%, डन। अब आपसे क्या पूछा, द नंबर ऑफ ईयर्स, एंड आपको फाइंड आउट करना द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन इज। चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, कोई ना आया है ना कोई गया है, तो A इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, अमाउंट इज योर 200, डबल का मतलब 200 होता है, इनिशियली कितना था आपके पास में 100, 1.02 की पावर n, ये कैंसिल हो गया, तो 1.02 की पावर n, 1.02 तब तक प्रेस करेंगे तब तक क्या नहीं आ जाए हमारे पास में, 2 नहीं आ जाए, तो ये अप्रोक्स आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 35 इयर्स में, कितने इयर्स में आएगा 35 इयर्स, द आंसर इज योर 35। ओके, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड एंड सिंपल ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 3 इयर्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस में हम कैसे करेंगे, डिफरेंस ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, पी मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन माइनस 1 माइनस टी इंटू आर अपॉन 100, डिफरेंस 110.16, ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे 110.16, पी आपको फाइंड आउट करना है। ओहो हमको वापस से, चलो मैं एक बार इसको रेस करके सारी वैल्यूज भी लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं पहले ही सारी वैल्यूज लिख दो, इस आर और इस पी आर एन की जगह मैं वैल्यूज पुट अप करूँ, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 6%, तो यहाँ मैंने लिखा 6 और यहाँ पर लिखा 6 × 3 और यहाँ पावर भी 3। चलो अब मैं 1.06 की पावर 3 निकालूंगा, इसमें माइनस 1 करूंगा, इसमें ये माइनस करूंगा, तो स्टूडेंट 1.06 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू तो ये वैल्यू आप चाहें तो मैं लिख देता हूं 1.191016 माइनस 1 और माइनस का 0.18। अगर मैं इसमें से माइनस 1 करूं माइनस का 0.18 करूं तो दोनों माइनस करने पर जो वैल्यू बचती है इस 0.011016, इट्स 110.016, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो जो पी की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो जो पी की वैल्यू आएगी आपके पास 10,000। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10,000, ये चीज क्लियर है क्या? ओके तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका 10,000। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये रहा पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा जंबल्ड वे में किए, हर टॉपिक वाइज अलग करता गया, पहले सिंपल कंपाउंड के क्वेश्चंस लिए, उसके बाद में हमने फर्दर मूव करना स्टार्ट किया, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन ले लिए हमने, डेप्रिसिएशन के लिए हमने, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट का लिया, हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को डिफरेंट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया पूरे, ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।